झारसुगुड़ा को एक अप्रत्याशित चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव हो रहा है झारसुगुड़ा में और पूरा ओडिशा का नजर झारसुगुड़ा के इस चुनाव पर है। और चुनाव पर नजर इसलिए है, जब बेटा बाहर जाता है तो माँ के मन में ये डर रहता है कि मेरा बेटा वापस आएगा कि नहीं, क्योंकि इसी झारसुगुड़ा में दिन दहाड़े दिन के दोपहर में प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री को सरकार द्वारा सरकारी आदमी गोली मार देता है और चार महीनों से सरकार वो गोली ढूंढ रहा है, आज तक सरकार को गोली भी नहीं मिला है। इसी शहर झारसुगुड़ा में एक 15 साल का बच्चा समर्थ अग्रवाल को किडनैप कर लिया जाता है और 2 दिन के बाद जघन्य रूप से उसका हत्या करके उसका अधजला शरीर मिलता है। तभी सभी ओडिशा का चिंता ये होता है कि झारसुगुड़ा में इतना असुरक्षित वातावरण में झारसुगुड़ा का मतदाता इस चुनाव में क्या निभा रहा है। इसीलिए सारा झारसुगुड़ा का सारा ओडिशा का नजर झारसुगुड़ा का तरफ है और इसलिए भी है कि लगातार 24 साल से ओडिशा में एक ही पार्टी का सरकार है, एक मुख्यमंत्री है और झारसुगुड़ा से 15 साल से लगातार एक ही विधायक यहां से जीते हैं, लेकिन झारसुगुड़ा के प्रति प्रदेश सरकार के द्वारा जितना अन्याय हुआ है वो अन्याय को देखते हुए सारा ओडिशा का नजर यही है कि झारसुगुड़ा का मतदाता कहां अपना मत रख रहा है। वो कौन है जो झारसुगुड़ा का प्राण केंद्र बोला जाने वाला मंगल बाजार हॉस्पिटल को बंद किया था? कौन है वो जो झारसुगुड़ा के लोगों को बोल के गया था कि इसको हम अरवान सीएससी बना देंगे और 4 साल उसी विभाग का मंत्री रहने के बावजूद झारसुगुड़ा को खाली प्रताड़ना देना पड़ा, झारसुगुड़ा के लोगों को इतना तकलीफ झेलना पड़ रहा है। आज जिस झारसुगुड़ा को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरा एयरपोर्ट दे के भारत में एक नया परिचय देने का काम किया प्रदेश सरकार ने और उसी विभाग के मंत्री जो यहाँ के विधायक थे, झारसुगुड़ा को इस हालत में ले आए कि आज रात के 11 बजे के बाद अगर कोई इमरजेंसी में है और एक दवाई लेने के लिए घर से निकलता है तो झारसुगुड़ा शहर में दवाई भी नहीं मिलता है। 4 साल स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनका ये योगदान है झारसुगुड़ा के प्रति। 24 साल का सरकार ओडिशा में 30 जिले में 29 जिलों में सरकारी कॉलेज है, झारसुगुड़ा में जिन्होंने एक सरकारी कॉलेज नहीं दे पाए। झारसुगुड़ा में आज हॉस्पिटल को चले जाइए, कोई भी शहर में अगर किसी को कुछ हुआ तो 7 किलोमीटर जाना पड़ता है अस्पताल को और अस्पताल पहुंचने से पहले कम से कम सैकड़ों ट्रक का सामना करते करते जाना पड़ता है। हॉस्पिटल रोड में साधारण लोग नहीं जाते, वहां तो ट्रकें चलते हैं और वहां हॉस्पिटल में अगर कोई पहुंच गया, डॉक्टर है या कंपाउंडर है पता नहीं है, हाथ पकड़ते ही बोलता है यहाँ कुछ सुविधा नहीं है, आप चले जाओ बुरला, नहीं तो नर्सिंग होम में चले जाओ। ये उनका योगदान है झारसुगुड़ा के लिए। आज झारसुगुड़ा के लिए ये भी योगदान है, आज झारसुगुड़ा शहर में हजारों लोग सैकड़ों लोग ऐसे रह रहे हैं जिनके पास रहने के लिए ना घर है ना जमीन है। 2018 में
इसी सरकार ने झारसुगड़ा शहर के गरीब लोगों के लिए एक जमी एक कागज दिया था और कागज में लिखा था कि आप झारसुगड़ा के निवासी हो, आप जमीन पाने के लिए योग्य हो, लेकिन आज एकड़ जमीन आस गिराने के लिए मिलता है लेकिन गरीबों को देने के लिए जमीन नहीं मिलता है। 24 साल का सरकार और 15 साल का विधायक का यही उपलब्धि है कि आज पहाड़ी मंदिर शहर के बीचों बीच 50 परिवार 4 महीनों से तिरपाल के नीचे रह रहा है, यही उनका उपलब्धि है।